नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू मॉडल मेकर्स, मैं नोएडा इंडिया से हूं। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि बेसिक ट्रबल शूटिंग आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास जनरली मॉडल सीरीज़ होती हैं सारी, आपने देखा होगा मेरे सारे वीडियोज़ मॉडल्स पे हैं। बट मैं आपको बीच बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ट्रबल शूटिंग भी दिखाता रहूँगा। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कैसे रिपेयर करते हैं उसके कुछ वीडियोस देखने हो तो आप उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको साथ साथ हम इसमें एक सीरीज़ भी नई बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंडक्शन कुकर है, आपके घर में बहुत सारे स्विच हैं, बोर्ड हैं, इन सबको कैसे रिपेयर किया जाता है हम आपको इसमें बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सब कामों में आपको शॉक लगने का खतरा होता है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी कर लीजिए कि आपको किस तरह से सूखे पैर रखने हैं, किस तरह से आपको गीले होके इस काम को नहीं करना। यू डू नॉट वेट यूर, मतलब आपके जो पैर हैं उनको गीला ना रखें। और दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा बीच में बात बता दूं कि यहाँ पे एक सीसी स्विच है, उसको प्रेस करने के बाद में ये सबटाइटल्स इंग्लिश में भी आपको नज़र आएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। कई बार हम हिंदी में या इंग्लिश में किसी बात को समझा नहीं पाते हैं, आप सीसी स्विच करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से हम काफ़ी टाइम लगा के उसको लिखते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाऊंगा, बेसिक ट्रबल शूटिंग सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या इससे सबसे पहले क्या करना चाहिए। कोई भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खोलते हो तो देखो ये सारा कुछ इस तरह से बंद था, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले ये वायर जो मेन वायर होता है इसको मल्टीमीटर से इधर से, जैसे ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर की इधर से कंटिन्यूटी चेक करो। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए। एक मल्टीमीटर की आप एक पॉइंट यहाँ लगाओगे, दूसरा पॉइंट आप यहाँ लगाओगे। जब भी आप एक वायर को, किसी भी वायर को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं मल्टीमीटर में कुछ। अगर ये वायर ओके होगा तो यहाँ कुछ नंबर चेंज होंगे। मैं यहाँ टच करूँगा और वहाँ देखना। दोस्तों, कभी कभी ना कनेक्शन ही हिल जाता है, ऐसे ऐसे करके हिल जाएगा तो आपके वहाँ पे नंबर्स नहीं आएंगे। आपको बहुत केयरफुली अच्छे तरह से टाइट करके इसको करना है। यहाँ पे मेटल पे टच होना चाहिए और आप इसको यहाँ से ब्लू के दूसरे एंड पे लगाओगे तो यहाँ पे एक बीप की साउंड भी आएगी। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ये वायर कंटिन्यूस है, कहीं से ब्रेक नहीं है, कहीं पे टूटी हुई नहीं है। आप इसी तरह दूसरी वायर को भी चेक कर सकते हैं, जो ब्राउन वायर है उसका दूसरा एंड देखो। ब्राउन वायर का दूसरा एंड दोस्तों यहाँ से जाता हुआ ये आ रहा है मेरे हाथ में, देखो। तो आप प्लग से इसको इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। प्लग बहुत पुराना हो जाता है, अंदर से ख़राब हो जाता है, इन पर जंग लग जाता है, आप इसको निकाल दीजिए। कि जंग लगना भी एक कारण हो सकता है कि आपकी कोई डिवाइस नहीं चल रही हो, उसे आप ये नया चेंज कर सकते हैं आप मार्केट से लेके। दोस्तों, मल्टीमीटर को कभी भी ऐसे खोलना मत छोड़िए, उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है। इसको जब भी आप काम हो जाए तो आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे वोल्टेज सेक्शन होता है, देखो ये वाला वोल्टेज सेक्शन है। और अब मैं जहाँ उंगली लेके जा रहा हूँ ये रेजिस्टेंस सेक्शन है। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रबल शूटिंग में आपको वोल्टेज और अभी रेजिस्टेंस का इसमें कुछ नहीं करना होता। वोल्टेज हम तब देखते हैं जब हमें इन दोनों वायर्स पे, जब आप दोस्तों बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे, आप वोल्टेज से खेलना सीख जाएंगे, तब आप मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट यहाँ लगा के और इसे 200 वोल्ट से अब 1000 वोल्ट पे ले जाके तब आप इसे चेक, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 750 वोल्ट पे, क्योंकि ये एसी है। मैं आपको गलत डीसी वाली साइड दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखो, ये साइड एसी की होती है, ये साइड डीसी की होती है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो ये साइन है मैंने फिंगर रखी है, इसे डीसी बोलते हैं, और जहाँ मैं अब ये रख रहा हूँ इसको एसी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एसी और डीसी आपको धीरे धीरे सारे वीडियोस देखने के बाद क्लियर हो जाएगा।
अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, या आपको कोई भी 12th क्लास का बच्चा बता सकता है कि क्या चीज़ होती है। आपको किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको इस बारे में गाइड कर देगा। दोस्तों बेसिक ट्रबल शूटिंग में हम खाली नेकेड आई एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ पे वायर टूटी हुई है, तो मैंने नेकेड आई एग्जामिनेशन में क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ वायर टूटी हुई थी। अब मैं इस वायर को जोड़ दूंगा तो मेरा इंडक्शन प्लेट चल जाएगा। इसके अलावा पूरी प्लेट को ध्यान से देखते हैं कि वो जला हुआ तो नहीं है। दोस्तों अभी तो यहाँ पे ना आप देखेंगे ये एक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में गोंद होती है वो गिराई जाती है, लेकिन इस तरह से पानी का साइन भी होता है। कभी पानी पड़ के सूख जाता है तो जंग लगने से भी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर जंग लग गया तो आपको फ्रेंड्स ये पूरी प्लेट ही चेंज करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर ये फ़ैन नहीं घूम रहा तो आप फ़ैन चेंज कर दो। इस कनेक्टर को थोड़ा कस के देखो, यहाँ से कसने से फ़ैन चल जाता है कभी कभी, लेकिन जब भी आप इसको टच करेंगे तब आप मेन स्विच में इसको लगा के नहीं रखेंगे। आप मेन स्विच बंद करके तब आप कनेक्टर्स को टाइट करेंगे, उसके बाद आप सारे हाथ अपने पीछे कर लेंगे, उसके बाद आप इसको चला के देखेंगे। दोस्तों इसे बोलते हैं नेकेड आई एग्जामिनेशन, कंटिन्यूटी टेस्टर, कंटिन्यूटी टेस्ट करना, नेकेड आई एग्जामिनेशन देखना, कोई पार्ट जला हुआ तो नहीं है ऐसे देख लेना उसको। दोस्तों अभी एडवांस सीरीज़ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन डायोड्स को चेक किया जाता है, कैसे इन कैपेसिटर्स को चेक किया जाता है, ये जो कॉइल्स हैं इनको कैसे चेक किया जाता है, इनका रोल क्या है, ये सब आगे आने वाले हम आपको वीडियोस में बताएंगे। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको रिपेयरिंग वाली सीरीज़ में आपको दोस्तों जब आप किसी चैनल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिपेयरिंग सीरीज़ मिलेगी। जो जो लोग चैनल सॉरी फ्रेंड्स मेरी गला ख़राब होने की वजह से मैं आपको बता नहीं पाया था। देखो फ्रेंड्स जो लोग चैनल आप चलाते हैं आपको पता है कि आपके इसमें ना एक प्लेलिस्ट भी होती है, तो मैंने ऐसे प्लेलिस्ट बना रखे हैं 12th क्लास और सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। और ये जो बेस अब मैं जो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ रिपेयरिंग की, मैं वहाँ पर चैनल में अपने रिपेयरिंग की सीरीज़ डाल दूंगा, आपको उसमें से जो भी वीडियोज़ देखने हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए मेरे को यहीं पॉज करना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा बताऊंगा नेकेड आई एग्जामिनेशन में ओनली जो अभी बेसिक लेवल की ट्रबल शूटिंग है वहाँ पे हम मल्टीमीटर से सिर्फ कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं सभी वायर्स की, कि सभी वायर्स कंटिन्यूस हैं, और कहीं पे कोई बर्न पार्ट हो उन्हें आंखों से देखा जाता है, उनको वैसे ही सोल्डर और डिसोल्डर करके चेंज करके और बदल देते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और भविष्य के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।